मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ की थाना कोतवाली पुलिस ने पीट 2023 परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। 29 अक्टूबर को सिविल नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के केंद्राध्यक्ष जैद रुल्लाह पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अली निवासी ग्राम बड़ा रहिया थाना ने जमाबाद जनपद आजमगढ़ में हमारा उप निरीक्षक मेहरी आलम द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि सिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में पीट परीक्षा 2023 में विकास यादव पुत्र अवधेश यादव के स्थान पर अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार पुत्र चुनमुन शाह ग्राम सोनबरसा पोस्ट थाना सिद्धवलिया जिला गोपालगंज बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। केंद्राध्यक्ष जैद नुरुल्लाह द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ किया गया है। मामले में यातायात प्रभारी संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2023 के अंतर्गत 29 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में सिबली नेशनल इंटर कॉलेज में यह परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है, जो विकास कुमार यादव के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसका नाम मुकेश कुमार है, बिहार का रहने वाला है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इसमें FIR पंजीकृत की गई उचित धाराओं और अभी कार्रवाई।